नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और बाकी के जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं उन सबको नमस्कार। और बढ़ते हैं खबरों की तरफ, लेकिन आप सब वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आज जन्मदिन है हमारा और आज हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन वीडियो को लाइक करेंगे। आज यहां पर एक पोस्ट मैंने डाली थी फेसबुक पर, जो भाई बहन जुड़े हैं उन्होंने देखा भी है। आप चाहो तो फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हो, सुधांशु पटेल के नाम से ही मेरी आईडी है। और वहां पर मैंने लिखा था कि कभी कभी तारों को देखकर लगता है कि वो मुझे कह रहे हैं कि एक दिन तुम भी इस अंधेरे से निकलकर चमकोगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देख करके जाइएगा और चलते हैं खबरों की तरफ। ये दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की आम सभा को लेकर के हमारे पास मैसेज आया है और यहां पर नीलम बहन है हमारे पास, उन्होंने यह जानकारी भेजी है। 15 जून को यह मंगलवार के दिन आम सभा होने वाली है, दोपहर 3 बजे, ऑनलाइन होगी, गूगल मीट पर होगी और यह लिंक भी दे दी गई है, संपर्क के लिए नंबर भी दे दिया गया है। तो यह दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की तरफ से है और तो जो बहने दिल्ली से हैं उनके लिए यह काम की सूचना है। अब दोस्तों चलते हैं आगे और आपको बता दें एक मैसेज और आया था, जालौन से एक बहन है, उन्होंने लिखा है यहां पर, टाइम से हमारी वो खबरें देखती हैं, उनका कहना है कि जालौन में बहनों को स्मार्टफोन कब मिलेगा, मानदेय कब से लागू होगा बढ़ा हुआ और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में पदोन्नति कब होगी, इन बातों को योगी जी भूल गए हैं, भगवान ही जाने, यूनियन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बताओ मैं बहनों के जो है फ्यूचर के लिए यूपी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ऐसा उन्होंने लिखा है। सोनू राठौर भाई है और ये आप देखिएगा। चलते हैं आगे और आपको बताना चाहेंगे एक खबर और देखिएगा, यहां पर जो भी है सब हमारे केवल यूनियन पर ही छोड़ देना ये हम सबकी भी एक भूल है, तो पहले खुद को भी मजबूत करिए और जमीन पर विरोध करना भी सीखिए, खुद में एकता भी बनाइए और एक साथ आवाज भी लगाइए। बाकी आप ये समझें कि यूनियन अगर बहुत कुछ है, यूनियन ही सब कर लेंगे तो वो कुछ नहीं है, यूनियन का मतलब ही आप सब में यूनिटी से है। जब आप बहने यूनिटी में रहेंगी, एक साथ रहेंगी, एक मंच पर कहीं रहेंगी तो ताकत मिलेगी यूनियन को, तभी कुछ होगा। जब आप ही नीचे डर डर के बहने जिएंगी तो फिर कैसे यूनियन को ताकत मिलेगी, उनको ताकत आपसे मिलती है। अब चलते हैं आगे, इन बातों पर ध्यान देना क्योंकि ये जरूरी है, एकता जब तक वो नहीं होती तब तक यूनियन में ताकत नहीं, और जब तक यूनियन में ताकत नहीं तब तक वो लड़ नहीं सकते इन सरकारों से। बाकी दोस्तों आपको बता दें बिहार राज्य की खबर, बिहार के सासाराम में एक खबर छपी है कि सेविकाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर बनेंगी शिक्षिका। तो यहां पर बदलाव को लेकर के बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण के बाद सेविकाओं को एग्जाम में करना होगा पास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यवस्था में बदलाव, ऐसा बिहार में बातें चल रही हैं और ये हिंदुस्तान की तरफ से छपी है अखबार में ये खबरें। अब आप देख लीजिएगा यहां पर जो भी है उसको सुनिएगा। बताया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन एवं व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा, सरकार ने इसकी जो है कार्रवाई भी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय परिसर में तब्दील करके बच्चों को शिक्षा दिलाया जाएगा, विद्यालय के शिक्षक ही केंद्र के बच्चों को पाठ्यक्रम उनकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनको शिक्षक बनाया जाएगा, ऐसा हिंदुस्तान ने बिहार के आसाराम में निकाला है। लेकिन ये सही है या गलत है केवल इस अखबार पर ही छोड़ देना, ये सबकी बिहार में भूल होगी। समय के साथ आगे बढ़िए और देखते जाइए एक्चुअल में तब होगा क्या, क्योंकि जो छपता है हमेशा वो सच नहीं होता, ये भी आप ध्यान देना, क्योंकि काफी बार मैंने इन चीजों का खंडन भी किया है। आगे बता दें लिखा है, हालांकि इस व्यवस्था में थोड़ी देर है लेकिन विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्र को विद्यालय परिसर में शिफ्ट करके शिक्षक द्वारा पठन पाठन से संबंधित कार्य किए जाएंगे, इससे सेविकाएं अपने कार्य से वंचित नहीं होंगी। तो यहां पर देखो ये सब छपा लेकिन जो असली सच्चाई है वो यहां पर नहीं छपी है, वो मैंने बिहार के सरकारी आदेश को जब दिखाया था तो बताया था शिक्षकों को वहां पर बोला गया
कि शिक्षक सप्ताह में कम से कम दो दिन पढ़ाने के लिए आएंगे आंगनबाड़ी केंद्र पर। इसका मतलब था कि आंगनबाड़ी पहले तो बाकी दिन पढ़ाएंगी, वो तो वहां पर रहेंगे, उनके ही बच्चे हैं, लेकिन वो शिक्षक कभी कभार सप्ताह में दो दिन कम से कम प्राथमिक विद्यालय वाले जो पास में होंगे वो क्लास ले लिया करेंगे, ऐसे था। लेकिन अखबार वाले उनको देखो क्या क्या छाप रहे हैं, जो बहनों को दिक्कत कर रहा है। बहनें सोचती हैं कि कहीं हम सब इससे बाहर ना कर दिए जाएं और शिक्षक ही यहां पर लगा दिए जाएं, तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। समय के साथ आगे बढ़िए, मानसिक तनाव को अपना दूर रखिए, जो भी होता है वक्त के साथ में सब बदलता रहता है। देखिएगा प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनका कहना है, ताकि शिक्षकों की तरह केंद्र के बच्चों को पढ़ा सके। आईसीडीएस की जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुनीता ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जाएगा, इसमें सेविकाओं को भी प्रशिक्षण देकर शिक्षकों की तरह कार्य करने का मौका दिया जाएगा। तो देखते हैं भाई बिहार में क्या होगा। बाकी बिहार में जो बहनें कम पढ़ी लिखी हैं उनको पढ़ाने को लेकर के भी सरकार तेजी से काम कर रही है, और नई शिक्षा नीति के मुताबिक ही वहां पर जो प्री प्राइमरी को लेकर के बोला गया था 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, वो करवाया जा रहा है, और उसके लिए फॉर्म ऑनलाइन वगैरह भी बिहार में काफी समय पहले से हो रहे हैं, और मैंने उसके बारे में बताया भी था। तो अब बार बार पिछले चीजों को तो हम दोहरा नहीं सकते, जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे पिछले वीडियो चैनल पर जो पढ़े हैं उनको टाइम निकाल करके देखा करिए, क्योंकि उनको पहले देख डालिए। अगर आप नए नए हो, अभी हाल फिलहाल में जुड़े हो, तो पुरानी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी, और हर बात को लेकर के डेली कोई बता भी नहीं सकता। तो पुराने वीडियो पर ज्यादा गौर करो, नए तो केवल 2 आ रहे हैं, पुराने जितने भी हैं चैनल पर जाकर के तारीखों के हिसाब से उनको देख डालिए। अब आगे आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बकायेदारी का ताला, यहां पर आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश से यह खबर है, लखनऊ से छपी है, वान्या दीक्षित जी हैं, उनका आर्टिकल है। फिलहाल के लिए आपको बता दें, यहां पर किराया ना मिला, भवन मालिक ने खाली करवा दिए केंद्र, ये हालात है उत्तर प्रदेश के। फिलहाल यहां पर तो कुछ ही महीनों का मामला देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा है कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग के आंगनबाड़ी केंद्र किराए पर लिए गए, भवनों में चल रहे हैं, हालांकि साल भर से किराया मिलने के कारण तमाम केंद्र खाली करने का फरमान सुनाने के साथ ही भवन मालिक ने ताला जड़ दिया है। तो यहां पर तो केवल 1 ही साल का लिखा है, लेकिन बहुत सी मैंने वीडियो देख रही होंगी जिनको पता नहीं कितने वर्षों का भवन का किराया शायद ना मिला हो, क्योंकि ऐसे मैसेज मेरे पास कभी कभार आ जाते हैं, वो कहती हैं मेरे इतने वर्षों का भवन किराया नहीं आया। तो यहां पर हो जाती हैं तब दिक्कतें, क्यों नहीं आया, आप लोगों में देखो जागरूकता की तब उस टाइम पर कमी थी, जो नहीं हो रहा है उसके लिए प्रयास करना, लेकिन 2-2, 4-4, 6-6 साल बीत जाते हैं और कुछ नहीं होता है। और हाँ, ये चीजें हैं कमियां, आप इससे भी अनुमान लगा सकते हो, निदेशालय में कभी कभी लेटर ऐसे निकलते हैं जब मैं पढ़ता हूं, जिसमें 10-10, 12-12 साल पहले का रिकॉर्ड मांगा जाता है डीपीओ लोगों से, कि अपने वहां पर इन प्रपत्रों को भेजिए, कहां कहां ये पैसे का खर्चा हुआ उसको भेजिए, लेकिन वो अभी भी नहीं पहुंचाया जाता। तो यहां पर भवन के किराए को लेकर के भी समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है यूपी में। हम यही चाहते हैं कि जो हमारी मंत्री महोदय है स्वाति सिंह जी, जिनके आने पर तो महसूस हुआ कि ये आई है तो बहुत कुछ करके दिखाएंगी, लेकिन वो भी उन सबसे ही ऊपर निकली, वो भी कुछ नहीं कर पा रही, ना ही स्मार्टफोन का वितरण हो पा रहा, जब आवाज उठाई गई तो यहां पर थोड़ा बहुत शक्ति दिखाई गई, बाकी रिचार्ज का पैसा जा नहीं रहा कहीं पर भी, 1500 प्रोत्साहन का भुगतान करवा नहीं पा रही हैं, क्या कर रही हैं ये मेरे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मंत्री के पद पर है बाल विकास में और जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। फिलहाल के लिए जिम्मेदारी को पहले निभाएं। चलते हैं आगे और आपको बता दें, स्टॉक पंजिका के बारे में एक बहन ने मुझे ये रजिस्टर अभिलेख अपने भेजे हैं, लेकिन इन्होंने फोटो बहुत दूर से लिए, साफ इसमें दिख नहीं रहा है। साथ ही मेरे पास एक और बहन है, उन्होंने भी भेजा है, संगीता तोमर बहन है खेरागढ़ से, उन्होंने भी स्टॉक पंजिका के रजिस्टर वगैरह अपने भेजे हैं, आइए उनके बारे में भी अभी आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर भी आप वहीं से देख पा रहे हैं। इनके अलावा आपको बता दें, ये रहे रजिस्टर और अभिलेख, एक भाई ने पूछा था, मार्च 2021 का इनका है, जिसमें आप देखिएगा यहां पर प्राप्ति की दिनांक डाली जाती है स्टॉक पंजिका पे, खाद्यान्न का नाम डाला जाता है, जैसे चना की दाल देखो यहां पर रिफाइंड ऐसे सब लिखा हुआ है, प्राप्ति जो है मात्रा लिखी जाती है, कितना आपको प्राप्त हुआ, और यानी देखो 1 किलोग्राम का देखो यहां पर लिखा है, और पैकेट लिखे 80 पैकेट, साथ ही देखो इसमें लिखा चना की दाल 500 ग्राम का है और दूसरे कॉलम में, और पैकेट है 22, और साथ ही ऐसे देखिए 500 ग्राम का ये एक पैकेट है और इसमें 77 पैकेट है, ये रिफाइंड वाला है, और कुल मात्रा देखिए ऊपर वाले में चना दाल में लिखी हुई है 80 पैकेट। संगीता बहन देखो नाम वाम भी लिखा, आंगनबाड़ी के हस्ताक्षर भी यहां पर है, ऐसे करके सब लिखा जाता है, स्वयं सहायता समूह के हस्ताक्षर भी यहां पर करवाए जाते हैं, वितरण की दिनांक भी देखो डाली जाती है, 7 से 3 वर्ष वाले जो बच्चे हैं और
और उनके अलावा लाभार्थी वगैरह जो पंजीकृत है, जो उपस्थित है, उन सबके बारे में देखो लिखा है। पंजीकृत इनके 62 है, उपस्थित इनके 48 है, तो सही सही सब लिखती है। चना दाल देखो वितरण की मात्रा और अवशेष मात्रा, ये सबका कालम है। रिफाइंड में वितरण की मात्रा और अवशेष की मात्रा का कालम है। आंगनबाड़ी के हस्ताक्षर में देखो उनके हस्ताक्षर है और चेककर्ता के हस्ताक्षर देखो यहां पर बाद में करवाए जाते हैं। तो ऐसे इस तरह से बनते हैं अभिलेख और रजिस्टर वाले। अब इनमें देखिएगा ये जितनी इनकी गर्भवती धात्री हैं, सब महिलाएं हैं, किशोरी विशोरी हैं, इन सब के बारे में सब लिखा है और कालम बकायदा अच्छे से बने हैं। अब कालम जब आप लोगों को ये पता होंगे तो हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि हर किसी भी बहन को जरूरी है। पता नहीं एक भाई ने कहा था मुझे ये चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, शायद दिख जाए, या अपने ही ब्लॉक पर जो बाकी बहनें हैं उनसे पूछ लीजिएगा कैसे बनते हैं। ये कोई आज से नहीं बन रहा है, ये बहुत पहले से बन रहा है और सब बहनें इसको बनाना जानती हैं। अब आगे देखिएगा, आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़ करके चोर ले गए हैं उपकरण। ये कल्याणपुर से खबर है, यहां पर भी चोरी का मामला सामने आया। कोतवाली में दी है इसकी तहरीर। सदर कोतवाली के ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में यह वारदात हुई है। कार्यकर्ती ने प्रधान संघ कोतवाली पहुंचकर इसकी तहरीर दी है। तो भाई वहां पर ऐसे चोरी के मामले आए दिन आते रहते हैं, क्योंकि केंद्र बंद चल रहे हैं और तो यहां पर ताले वाले टूट जाते हैं, सामान वामान इसीलिए भाई यहां पर सेफ रखना जो है मुश्किल हो जाता है बहनों को। एक और देखिएगा, शमशाबाद से भी एक खबर आई है कि डीपीओ को परियोजना गोदाम में खामियां मिली हैं, प्रधान की शिकायत के बाद भी जांच नहीं हो पाई है, तो निरीक्षण में की जा रही है यहां पर जानकारी। तो यहां पर देखिएगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी कमलेश कुमारी यहां पर जो है उन्होंने विभागीय योजनाओं की हकीकत जानने को डेरा डाल दिया है। डीपीओ जब परियोजना गोदाम पहुंची तो यहां पर उन्हें लिपिक पूरे अभिलेख नहीं दिखा सके। निरीक्षण के करीब आधा घंटे बाद सीडीपीओ मौके पर पहुंचे। डीपीओ ने लापरवाही के मामले में कड़ी नाराजगी भी जताई है। तो इस तरह से सारी चीजें आप देखिएगा, स्टेट बैंक के पास स्थित परियोजना गोदाम पर शासन स्तर से भेजी गई, डीपीओ के यहां पहुंचने से हड़कंप मच गया। मैंने कहा था चेकिंग शुरू हो रही है, तैयार हो जाइए सभी लोग। शमशाबाद से यह खबर छपी है। तो बाकी देखिए आगे आप लोगों की मर्जी है। गोदाम पर समूह की महिलाएं डटी थी और इनसे भी जो है डीपीओ ने लाभार्थी के वितरण के बारे में जानकारी की। डीपीओ ने बताया कि शासन स्तर से उन्हें यहां पर जांच के लिए भेजा जो है गया है। केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया है, जो कि स्थिति पाई जाती है उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उधर सीडीपीओ ने बताया कि उनके पास नवाबगंज का भी अतिरिक्त चार्ज है। तो ऐसी इस तरह से चीजें चल रही हैं फिलहाल के लिए। अब अभिलेखों को लेकर के भी यहां पर फटकार वटकार लगाई है। मास्क वगैरह भी नहीं पहनने थे लोग, तो इसके बारे में वहां पर डांट पड़ी है, उसके बाद में लोगों ने मास्क लगाए। आगे देखिएगा, रायबरेली से जिला कार्यक्रम अधिकारी ने भी एक लेटर निकाला था 9 तारीख को, और यहां पर आपको बता दें कि माह जो आपका मई 2021 तक कॉल सेंटर द्वारा लाभार्थियों को किए गए कुल कॉल के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि अधिकांश कॉल या तो रिसीव नहीं हुए हैं या मोबाइल नंबर गलत है। कॉल सेंटर से प्राप्त फीडबैक को परियोजनावार, केंद्रवार, तिथिवार इस तरह से जो है सॉफ्ट कॉपी में भेजा जाएगा, इसके बारे में बोला गया है। और यह भी कहा गया, अनुपूरक पुष्टाहार प्राप्त ना होने का फीडबैक अगर मिलता है तो उनकी मुख्य सेविका द्वारा 100% बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रत्येक मुख्य सेविका के कार्य क्षेत्र में 5 केंद्रों की लाभार्थियों की भौतिक सत्यापन भी करवाओ। इस तरह से जो है फीडबैक भी गलत आ रहे हैं, क्योंकि काफी लोग नंबर गलत दे रहे हैं और काफी लाभार्थी कह रहे हैं कि हमको मिल नहीं रहा है। तो जो है जैसा है जमीनी स्तर पर जो चीजें हैं उनको लेकर के चेकिंगों में दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब आगे देखिएगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर नगर से 11 तारीख को उन्होंने लेटर निकाला है। ब्लॉक निगरानी समिति के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। उप जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं, खंड विकास अधिकारी उपाध्यक्ष हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ब्लॉक मिशन प्रबंधक, ब्लॉक से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी ब्लॉक निगरानी समिति की सदस्य रहेंगी। और ग्राम निगरानी समिति में ग्राम प्रधान अध्यक्ष हैं, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्य उपाध्यक्ष हैं, ग्राम पंचायत का एक सदस्य रहेगा, टेक होम राशन लाभार्थी की माता वो रोटेशन से एक वगैरह रखी जाएंगी और किशोरी लाभार्थी भी इसमें रखी जाएंगी। बाकी लिखा है कि तृतीय त्रैमास के लिए और चतुर्थ त्रैमास के लिए आपूर्ति राशन के सापेक्ष वितरण का सत्यापन करा कर सत्यापन आख्या वगैरह 20/6/21 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यानी 20 जून तक आख्या भेजने का कष्ट करें। ये लेटर भेजा गया है बाल विकास परियोजना अधिकारी को कानपुर नगर में। अब दोस्तों चलते हैं आगे और आपको बता दें, एक बहन है ये पूनम देवी, इनके द्वारा एक फोटो आई है, गोंडा से बहन है। इनके अलावा एक ये अनुपमा देवी बहन है, इन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजी है। इनके अलावा आपको बता, हरदोई से थी, और ये रानी देवी बहन है, इनके वहां से भी एक फोटो आई है। साथ ही एक ये बहन है, इन्होंने ये सब भेजा लेकिन इन्होंने अपना नाम लेकर के ही नहीं भेजा, और बिना नाम के आगे कुछ भी अब आएगा नहीं। टीकाकरण हो रहा है, चैनल पर जो है लाना चाहिए, इस तरह से बहन ने एक फोटो भेजी हुई है। नीचे कुछ और भी भेजा हुआ, नाम लिखा नहीं है। गायत्री देवी बहन है, इनके द्वारा भी ये फोटो भेजी गई है। इनके अलावा एक मैसेज ये भी आया है यहां पर, ये देखिएगा,
पुरसगढ़ वगैरह से हैं, आंगनबाड़ी मध्य प्रदेश से कोई हैं, इन्होंने भी अपना नाम नहीं भेजा है। इनके अलावा ग्राम प्रधान और आंगनबाड़ी मिलकर के चना दाल का वितरण कर रही है। और यहाँ पर माया देवी बहन है सीतापुर से, मछेरटा से। इनके अलावा एक ये भी मैटर आया था मेरे पास, ये डेली हमारी खबरें देखती हैं बहन, और इनके द्वारा भी इस तरह से काफी लिख करके भेजा गया, लेकिन नाम इनका भी नहीं दिखाई दे रहा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी आप लोगों को